हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस की सीरीज नंबर 2, जो स्पेशली आपको हेल्पफुल होगा एसएसबी, एजीसी नेट, सीयूईटी एंड पीजी एंट्रेंस के लिए। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द टर्म बजट हैज बीन डिराइव आउट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। क्या पूछा जा रहा है इसमें, जो बजट जो शब्द है वो कहां से डेराइव किया गया है, कौन से लैंग्वेज से, फ्रेंच से, हिंदी, जर्मन या ग्रीस। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, फ्रेंच शब्द से। फ्रेंच शब्द क्या है आपका, बोगेट, BOUGETT, बोगेट से, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेदर बैग, लेदर बैग। ओके, बजट जो शब्द है ये पहली बार 18th सेंचुरी में आज ये एनुअल स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया था, एनुअल स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया था। बट इसी बजट को ही हम देखा जाए तो फाइनेंशियल सेंस में कब यूज किया गया था, फॉर द ईयर ऑफ 1733। बट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आधार पे देखा जाए तो बजट जो शब्द है कहीं भी लिखा नहीं गया। ओके, बजट के बदले में क्या लिखा गया, ये लिखा गया आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डील्स करते हैं आर्टिकल नंबर 1-1। ओके, जैसे आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा आप मनी बिल जो होता है आपका आर्टिकल डील्स करता है 110। ओके, तो भारत के संविधान में बजट का जो वर्ड है, जो बजट की जो शब्द है वो यूज ही नहीं किया गया। तो बजट का इसी क्वेश्चन का जो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन हिज बुक द अनटचेबल अंबेडकर गेव द फॉलोइंग थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ द अनटचेबल। अंबेडकर के द्वारा कौन सी थ्योरी दिया गया था ओरिजिन ऑफ द अनटचेबल के लिए, एथनिक थ्योरी, बुद्धिस्ट ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, ऑक्यूपेशनल थ्योरी या रेडियल थ्योरी। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिस्ट ओरिजिन ऑफ अनटचेबल। अंबेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इनको 1990 में क्या मिला था, भारत रत्न। ये पहले इंडिपेंडेंट इंडिया की लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है। इसके अलावा ये चेयरमैन थे कहां का, ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बुद्धिस्ट ओरिजिन ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल जो शब्द है इसमें एक आर्टिकल डील्स करता है, आर्टिकल नंबर 17, क्या कहता है, एबोलिस्ट ऑफ अनटचेबल। ओके, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर सर्विस रिक्रूटमेंट। किस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है जब सर्विस आपको सर्विस में एंट्री होने से पहले, रिक्रूट करने से पहले, प्री एंट्री ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग या इन सर्विस ट्रेनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका प्री एंट्री ट्रेनिंग। आप नौकरी में ज्वाइन करने से पहले ही आपको एक क्या है, एक प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है जिसको कहा जाता है आपका प्री एंट्री ट्रेनिंग। उस समय जो ट्रेनिंग मिलता है उसको कहा जाता है आपका प्री एंट्री ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होता है, सर्विस के दौरान जो ट्रेनिंग मिलता है उसको कहा जाता है आपका इन सर्विस ट्रेनिंग। जैसे और एक चीज होता है आपका पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। ये क्या होता है, कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, रिक्रूट हो जाता है, ज्वाइन करने के बाद
उसको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो होता है आपका एक तरह का पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग। ओके, तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मीट एंड प्रूवर। किसने ये प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रिंसिपल मतलब मीट एंड प्रूवर जो है उसको रिजेक्ट किए थे? हार्वर्ड साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, एलडी व्हाइट या नॉन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड साइमन, जिनको हम फादर ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी की डिसीजन मेकिंग थ्योरी के फादर भी कहा जाता है। किसको? साइमन, आपका हार्वर्ड साइमन को। इनको मिला था 1978 में, 1978 में इनको मिला था नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था। किसमें मिला था? इकोनॉमिक्स में। ओके, देन एलडी व्हाइट के बारे में, ये एलडी व्हाइट कौन है? आपका अमेरिकन हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट भी है। अमेरिका की क्या है? हिस्टोरियन, साथ साथ क्या है? पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन 2023 ऑन व्हिच डे द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड बजट इन द लोकसभा। 2023 सत्र में फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश किए थे लोकसभा में वो कौन से दिन में? लास्ट डे ऑफ जनवरी, ऑन 20th जनवरी, 26th जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुआरी या फर्स्ट डे ऑफ मार्च। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुआरी, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुआरी। ओके, वर्तमान में जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्या नाम है? निर्मला सीतारमण। क्या नाम है? निर्मला सीतारमण। ओके, लोकसभा के टोटल जो सदस्य की संख्या कितना है? 545 है। मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? 552। लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर की द्वारा। किसके द्वारा? स्पीकर की द्वारा। लोकसभा की कार्यकाल कितने साल है? 5 ईयर। कितने साल होता है? 5 साल होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री व्हिच हैज कॉलेजेस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। कौन से देश में कॉलेजेस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए इंडिया, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका, डी रसिया। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड पे। कॉलेजेस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव होता क्या है? जो मेजर डिसीजन जो होता है, तब बड़े बड़े जो डिसीजन होता है उसको किसके द्वारा लिया जाता है? कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। ओके, स्विट्जरलैंड की जो एग्जीक्यूटिव को कहा जाता है आपका प्लूरल एग्जीक्यूटिव। क्या कहा जाता है? प्लूरल एग्जीक्यूटिव, जिसमें 7 मेंबर देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको फेडरल काउंसिल भी कहा जाता है, फेडरल काउंसिल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, हु सेड सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी मस्ट बी फेडरल ऑल्सो। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए हेरोल्ड लास्की, बी केसी हुएर, सी गार्डनर, डी हॉर्मन फाइनर। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हेरोल्ड लास्की। इनकी एक बुक है जिनमें ये चीजें कहा गया है, क्या? कि सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी मस्ट बी फेडरल। कौन सी बुक है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में एक कहा गया है। ओके, लेकिन बहुत बार ए सेंटेंस, ए स्टेटमेंट ना आके सीधे सीधे पूछा जाता है, हु सेड अथॉरिटी इज फेडरल, अथॉरिटी इज फेडरल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका आंसर भी क्या बनेगा आपका? हेरोल्ड लास्की। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान में
कौन सा ऐसा, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यूनिटरी, अनरिटन, फ्लेक्सिबल या फेडरल? इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फेडरल। देखिए, ब्रिटिश संविधान जो है वो यूनिटरी भी है, अनरिटन भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ओके, तो फेडरल किस किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये है आपका स्विट्जरलैंड की या स्विस कॉन्स्टिट्यूशन की। इसका जस्ट उल्टा जो हो जाता है, ऑपोजिट जो हो जाता है वो यूएसए का, वो क्या हो जाता है? अनरिटन की जगह रिटिन हो जाती है, फ्लेक्सिबल की जगह क्या हो जाता है? रेजिड होता है। ओके, भारत की संविधान कुछ अलग है। कैसे अलग है? ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ना ही ज्यादा रिजिड है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आसान तरीके से आप कोई चीज को बदल सकते हो। रिजिड का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट होता है कोई चीज को बदलना है। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन द हाउस इज कॉल्ड। क्वेश्चन आस्क्ड ओरली, क्या ओरली पूछा जाता है आफ्टर क्वेश्चन आवर के बाद, तो उसको क्या कहा जाएगा? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, स्टेयर्ड क्वेश्चन या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? इसको कहा जाता है आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पार्लियामेंट की जो पहले फर्स्ट जो पार्लियामेंट की फर्स्ट आवर को क्या कहा जाता है आपका? उसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आवर। तो इसमें स्टेयर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है? कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो आपको ओरली आंसर चाहिए, यू हैव टू रिक्वायर ओरली एनी आंसर। ओरली जब आंसर चाहिए होता है उसको कहा जाता है आपका स्टेयर्ड क्वेश्चन। अनस्टेयर्ड का मतलब क्या होता है आपका? रिटेन आंसर चाहिए। क्या होता है आपको? रिटेन आंसर चाहिए होता है। ओके, तो उसको कहा जाता है आपका अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन व्हिच पीरियड डिड द स्पॉल सिस्टम इन द यूएसए बिगिंस? किन की पीरियड में स्पॉल सिस्टम देखने के लिए मिला था कहाँ? यूएसए में। ऑप्शन ए एफडब्ल्यू रिग्स, बी थॉमस जेफरसन, सी एसी डाइजी डाइसी, डी एंड्रू जैक्सन। इसकी जो करंट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंड्रू जैक्सन। पॉल सिस्टम को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है? पेट्रोनेज सिस्टम भी, पेट्रोनेज सिस्टम भी कहा जाता है आपका पॉल्स, कौन से पॉल सिस्टम को? ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।